गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से 15 जुलाई को होने वाले स्थापना दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। यह बैठक अहमदाबाद के सर्किट हाउस में रखी गई है। इस समीक्षा बैठक में गुजरात के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता आए जो इस मंच से जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 15 जुलाई को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस पर सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हमारे अहमदाबाद से संवाददाता ललित चौधरी ने राष्ट्रीय एकता मंच की अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की। आज राष्ट्रीय एकता मंच के लिए काफ़ी महिला आए और काफ़ी बुजुर्ग भी आए थे और काफ़ी यहाँ पे समीक्षा बैठक के रूप में एक बैठक भी की है। आने वाले दिन में भी अब 15 जुलाई का कुछ नया साल, एक साल पूरे होने जा रहा है इस संस्था को, इसको क्या कहते हैं अध्यक्ष मैडम, जानता हूँ उनसे। राष्ट्र शक्ति एकता मंच की हमारी 15 जुलाई को स्थापना दिन थी, वो दिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि राष्ट्र की शक्ति एक हम करते हैं तो क्या नहीं हो सकता है। जे हमारा लोगो भी हमने रखा है वट वृक्ष, तो वट वृक्ष का कहना है कि एक एक डाली जैसे जड़ से निकलती है, वैसे हमारा राष्ट्र शक्ति एकता मंच की मजबूताई। बिल्कुल आपकी बात सही है, महिला का हुआ बेटी बचाओ आपका जो चार आंदोलन दिखाई दिया है काफ़ी आपको बहुत उत्साहित करता है पूरे देश को, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन एक बेटी का जब ये कुछ घटना घट जाती है उस टाइम पे जो फील होता है, उसके लिए आपकी सरकार या आप लोग क्यों नहीं आगे आना चाहते? हम लोग अफसोस आगे आते ही हैं। आपने शायद देखा होगा कभी यूपी में जब हुए थे तब हम सोशल मीडिया से बहुत आगे हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मैं एक आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संस्था की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरा देश में महिलाओं के लिए आगे आ ही गए हैं, आपने देखा ही होगा शायद, ऐसा नहीं है कि महिलाएं के लिए क्या होता है और महिलाएं आती हैं, सारी महिलाएं सारे भैया आपकी सरकार भी आगे आती है, लेकिन जो निशंस लोग हैं उसके लिए सरकार कुछ न कुछ तो काम कर ही रही है। बिल्कुल, अभी मेघालय नगर में भी हुआ था, केवल 18 की बच्ची थी और इस तरीके से रात में घर में घूम करके मार दिया और सरकार अभी तक जवाब देने से इनकार कर रही है, क्योंकि सरकार बोल रहे होगा लेकिन होगा तो कब तक, क्योंकि एक बेटी की बात है, हर घर की बेटी, हर घर की बेटी है, ये बात सही है, सरकार की भी जिम्मेदारी है हम बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अपने आस पास जो ये घटना देखते हैं वही ज़्यादा जिम्मेदारी, और वो लोगों को पहले आगे आना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। हाँ, मेरा ये कहना है, आज जो आसपास रहने वाले आगे आएंगे तो सरकार को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ आप आश्वासन आपके समाज के तरीके से आप देना चाहते हैं जो महिला को खुद ही जागना पड़ेगा, जागरूकता है। हाँ, उसके बारे में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब ऐसी घटनाएं बनती है बलात्कार की तो सारी महिलाएं आगे आए, भाइयों भी आगे आए, तो जो सरकार तक भी नहीं पहुंची उसकी सजा खुद ही दी। मैडम ये बताइए जो 15 जुलाई का जो प्रोग्राम रखे हैं उसमें क्या क्या आप थोड़ा करने वाले हैं, और कुछ जैसे मान लीजिए रिजल्ट भी निकल गया कुछ बच्चे को लिए, जैसे मान लीजिए कुछ चौकड़ी वितरण होता है आपके यहाँ पे, तो इस तरीके कुछ कार्यक्रम भी आने वाले दिन में करने वाले हैं? हाँ, आगे आने वाले कार्यक्रम तो हमारा जो होता ही रहता है, आज आपने मीटिंग में देखा भी होगा कि क्या क्या प्रवृत्ति हमारी होती है, ये जो एक साल में हमने प्रवृत्ति की है उससे आगे भी हम ज़्यादा प्रवृत्ति करेंगे। इसके लिए तो नवदेश जी भी आपको काफ़ी एक साल में जितना दिखा है आप पूरा समा बना हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको प्रवक्त करते हैं, और पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए और आपका राष्ट्रीय एकता मंच जो है शिखर पर चढ़ता ही जाए। लेकिन आगे क्या कहना है कि आने वाले दिन में क्या क्या नया कुछ आप देने वाले हैं देश के लिए और समाज के लिए? आगे वाले दिन में हम ये देने चाहते हैं, कभी पहले तो 15 जुलाई को हमारा प्रोग्राम है, तो जो हमने पूरी एक साल में प्रवृत्ति की है वो सबको दिखाना है, और जो हमारी प्रवृत्ति आगे होने वाली है वो भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी, जैसे हमारा वटवृक्ष बढ़ता जा रहा है वैसे हमारा संगठन की जो प्रवृत्ति है वो आगे बढ़ जाएगी, हमारे सारा कार्यकर्ता भाइयों बहनों हमारे साथ। जब वृक्ष की बात करिए तो एक बात हमारा आगे यहाँ पे बहना भी बोले तुलसी का झाड़ में लगाता हूँ, तो आने वाले 15 जुलाई को जो फंक्शन होगा तो क्या सीएम साहब को तुलसी का पौधा देंगे हाथ में? हाँ देंगे ना, क्यों नहीं, जरूर डेवलपमेंट पर 12 लाख को लगाने जा रहे हैं हम, जरूर देंगे, इसीलिए तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो ये प्रोग्राम अभी भी करने वाले हैं थोड़े दिन में, सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने जिले में हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों उसको हम बोलने वाले हैं, एक ही दिन में कार्यक्रम होगा, कई दरेक कार्यकर्ता 5-5 वृक्ष लगाए और ये वृक्ष की पूरे साल तक उसका जतन करे, तो अगले बार जी अभी गर्मी पड़ी है और अगले बार गर्मी नहीं पड़ेगी। राव साहब आपका क्या कहना है 15 जुलाई से?
15 जुलाई को जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो तो हमारा एक वर्ष पूरा हो रहा है उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके आने वाले पूरे वर्ष का हमारा पूरा टारगेट फिक्स है। राष्ट्र शक्ति एकता मंच ऐसा मंच है और पहला भारत का ऐसा मंच है कि जिसकी शाखा विदेशों में भी, हमारे कम से कम कार्यकर्ता 700 से ज़्यादा विदेशों में है, हंगरी है, यूके है, यूएसए है, हमारे 700 कार्यकर्ता वहाँ से है और ये बहुत गर्व की बात है। आज जो हम काम करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और उस काम से हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर हमारा मंच का नाम सबसे आगे होगा। काफ़ी इनमें हिम्मत और जोश दिख रहा है, आने वाले दिन में दिखाएंगे भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं और काफ़ी बोल रहे हैं। और भरत भाई से भी जानते हैं, भरत भाई आपने काफ़ी नंबर लिए हैं और आपका 15 जुलाई का अहम रोल है, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? राष्ट्र शक्ति एकता मंच का एक ही मकसद है कि जो श्रीओ आगे आए, श्रीओ स्वयं अपना अपना पोते का रक्षण करे और श्रीओ स्वयं किसी की शिकायत ना करे और श्रीओ एकजुट होकर पोते ही अपना ही कोई शिकायत न हो, कोई दारोगा जी कोई पुलिस स्टेशन न जाए और अपना कर्तव्य और आरोपियों को एकजुट होके। तो एक हमारे संत भी हैं और दोनों संत जी को एक साथ पूछते हैं, नमन करते हैं। आप बताइए संत जी क्या करना है आगे आने वाले दिन में, भारत माता की जय बोलते हुए क्या बोलना चाहते हैं आप? जो भारत देश की जो प्रजा है और रामचरित मानस के और भागवत से कथा द्वारा जब कुछ जो संस्कार परंपरा में आए हैं वही संस्कार उजड़ा करने के लिए जो अवसर पाया है, तो राष्ट्र शक्ति एकता मंच के जो अभियान चलता है तो घर घर से परिवार से पूरा राष्ट्र को विश्व तक ले जाएंगे और मर्यादा और जीवन का जो ध्येय है ये अच्छा स्टेज पर और साथ में लेकर चले वही भगवान की। तो ये थे राष्ट्रीय एकता मंच के काफ़ी सदस्य हैं और काफ़ी उषा बहन खुद अध्यक्ष हैं और काफ़ी देश दुनिया के लिए बने रहिए नवतेज टीवी में। पीयूष भाई कैमरा के साथ ललित चौधरी अहमदाबाद से।